बोलते हैं? नहीं बोले साहब, केम नहीं बोले। हमारे देश के भ्रष्टाचारियों को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आजाद आवाजों को कुचल दिया है। लेकिन आजाद आवाजें कैद नहीं होती, यह हिंदुस्तान की आवाज। हिंदुस्तान में कहीं से कहीं पे हिंदुस्तान में। अभी ग्राम पंचायत में कोई भी काम नहीं हुआ, तो इसके पीछे की क्या वजह? आप सरपंच हैं फिर भी ये शिकायत कर रही हैं कि नहीं भी नहीं बोलते हैं और करते भी नहीं हैं। तो आपकी इतनी हिम्मत थी ये कहने की? स्कूल के शिक्षकों के ऊपर थोड़ा दबाव आया है कि वो पढ़ाई करवाएं, हाँ। मतलब पठन पाठन का कार्य करें ताकि बच्चों की संख्या में वृद्धि हो। आप पहली बार सरपंच बनी हैं, कितने वोटों से आप जीती? 60 वोटों से। तो आपने भी दारू मुर्गा और पैसे वैसे बांटे थे कि नहीं? सब लोग बोल रहे हैं ना कि सरपंच ईमानदार हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ हमारे देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अपने स्टाफ अपने हिसाब से चुन सकते हैं, लेकिन एक सरपंच को उसके हिसाब से उसका स्टाफ चुनने की आज़ादी नहीं है। हमारे देश के भ्रष्टाचारियों को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आजाद आवाजों को कुचल दिया है। लेकिन आजाद आवाजें कैद नहीं होती, यह हिंदुस्तान की आवाज। हिंदुस्तान में कहीं से कहीं पे हिंदुस्तान। अच्छा, आप सरपंच हैं, तो आपको आपके गांव के बारे में कितनी जानकारी? अभी तो हम सरपंच नहीं हुए हैं। अच्छा, अभी बने? अच्छा, तो जानकारी ये है कि पानी होने की समस्या, हैंडपंप जो शास्त्री लगे थे वो सब बिगड़े हैं। अच्छा, बिगड़े हैं। यहाँ पानी की कमी तो नहीं होगी? कमी तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे मजबूर हैं जिनकी अवस्था की कमी है, पानी की कमी नहीं है। उनका घट गया, उनके द्वारे हम लोग लगा है और वो गड़बड़ है। तो इसके पीछे की क्या वजह? आप सरपंच हैं फिर भी ये शिकायत कर रही हैं कि हैंडपंप नहीं सही हो रहा है, तो इसके पीछे कौन है, क्यों सही नहीं हो रहा? इसके पीछे तो हम ही हैं, लेकिन हमारी बात कोई सुन नहीं रहे हैं। आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है? सुन नहीं रहे हैं। क्या बोलते हैं हैंडपंप के पीछे? कुछ कोई बोलता ही नहीं, विधायक जी कुछ बोलते नहीं है। अच्छा, हमारी बात ही नहीं सुनते विधायक जी। कभी गई थी आप विधायक जी के पास? विधायक जी से मिले हैं, विधायक जी हमारे गांव में भी आए थे। हम बोले कि यहाँ गरीब लोग सभी परेशान, बोले कि गरीबों को सब कुछ मिल रहा है। हम बोले कि वास्तव में जो गरीब लोग हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा है, गरीबों के पास ही समस्या। तो आपकी इतनी हिम्मत थी ये कहने की? हाँ बोले। तो हैंडपंप के लिए कुछ और भी डिपार्टमेंट है अपने त्योहार में, जैसे सरकारी अधिकारी है जो जिम्मेदार है हैंडपंप वगैरह ठीक करवाने के, उनके पास भी आप गए? अब हम पता लगा लिए हैं उनका, उनका नंबर भी ले लिए हैं, उनको फोन करके बुलवाएंगे। तो एक सरपंच के तौर पे आप पहली बार सरपंच बनी हैं, आपने क्या सोचा था अपने गांव के लिए करने के लिए, और क्या वो कर पा रही हैं? कर नहीं पा रहे, लेकिन सर हम सोचे थे अपने गाँव को हम मतलब निर्मल पंचायत और स्वच्छ पंचायत बना के रखेंगे, लेकिन वो हम कर नहीं पा रहे हैं। कहाँ से मतलब कहाँ से आपको मदद चाहिए, जहाँ से हम लोग भी मदद कर सकें? हमको मदद चाहिए मतलब सीओ साहब से चाहिए, जनपद से चाहिए और आगे जिला से चाहिए। तो मदद नहीं मिल पा रही आपको? मदद कहाँ मिल रही, हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। आप सरपंच हैं फिर भी? फिर भी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गीता देवी मांझी है। गीता देवी मांझी है, एक और गीता देवी मांझी है, आप जानती हो, उनसे नहीं मिली आप? उनसे भी मिले हैं तो वो गया, यहाँ कोई नहीं। अभी तो हमारे गांव में सचिव नहीं थे, सचिव के लिए हम 50 बार कलेक्टर साहब को लेटर बर्ड लिख कर दिए, सीओ साहब को दिए, कोई सुन नहीं रहे थे। अच्छा, 6 महीने बाद यहाँ सचिव भेजे। अब मतलब साल भर हो लगभग हो गया हाँ। फिर भी अभी एक काम नहीं हुआ, सचिव भी कोई काम नहीं करवा रहे हैं। सचिव काम नहीं करवा रहे, कोई काम नहीं करवा रहे, तारा फेरी रोड तारा फेरी। अभी ग्राम पंचायत में कोई भी काम नहीं हुआ। अच्छा, सिर्फ आपके ग्राम पंचायत में नहीं हुआ कि बाकी आसपास बाकी हुआ है? जहाँ कोई काम नहीं, हमारी ग्राम पंचायत भी, हमारे ग्राम पंचायत में हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है, ना सचिव काम ध्यान दे रहे हैं। अभी तक साल भर हुआ, अभी तक किसी का एक जन्म प्रमाण पत्र और मृत प्रमाण पत्र सचिव नहीं बनवा पाए। अच्छा, और गरीबों के लिए जो आवेदन हुआ है पेंशन के लिए, वृद्धा पेंशन, उनका आवेदन हुआ है लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया, उनका कोई पेंशन आ नहीं रहा है। तो आपके जैसे बार बार बात करते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि जब आप सरपंच का चुनाव जीते, उससे पहले जो सचिव थे वही सचिव आज भी हैं कि बदले जा चुके हैं? बदले जा चुके हैं, लेकिन जो सचिव हम चाह रहे थे वो सचिव हमको नहीं दिया गया,
पता नहीं कहाँ से दिनेश प्रसाद तिवारी को यहाँ जाकर कर दिए। दिनेश प्रसाद तिवारी, अच्छा। तो गांव में तो सचिव और सरपंच दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, विकास का काम है ना। और आपके पास समय भी कम है, एक साल तो ऐसे ही चले गए, छह महीना तो सचिव नहीं आए, छह महीना बाद जब सचिव आए तो सचिव कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। तो आपका तो मतलब लगभग देखा जाए तो एक साल जनता का चला गया। अभी जनता का एक कागज तक नहीं तैयार। आप कोई काम लेके सरपंच के पास गई लीगल, चाहे वो राशन कार्ड का हो, चाहे वो गरीबी रेखा अति गरीबी रेखा का हो, या स्कूल से रिलेटेड कोई चीज हो, या जैसे आप हैंड पंप का बोल रही हैं, कोई काम लेके गई आप उनके पास? नहीं, सचिव के पास। सचिव को हम घर बुलवाते हैं, रोज कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, लेकिन सचिव कहते हैं आज करेंगे, कल करेंगे, आज करेंगे, टालते रहते हैं। ये नहीं भी नहीं करते हैं कि हम नहीं करेंगे, नहीं भी नहीं बोलते हैं और करते भी नहीं है। अच्छा, समस्या है। अगर सचिव नहीं काम करेंगे तो हम कुछ अकेले काम कैसे काम पाए? आपके पास उतना अधिकार ही नहीं है, दोनों को मिलकर ही काम करना है। क्योंकि कागज होगा तो उन्हीं को तैयार करना है ना। तो आपकी कौन मदद कर सकता है त्योंथर तहसील में? सीओ साहब मदद। तो आप कभी सीओ साहब से मदद मांगी है? सीओ साहब से हम बार बार मदद मांगते हैं। वो क्या कहते हैं? जब से सचिव आए तब से तो सीओ साहब से हमारी भेंट नहीं होती, जब हम जाते हैं जनपद तो सीओ साहब रहते हैं। अच्छा, तो भेंट हो ही नहीं पाई? तब से सीओ साहब मिलते हैं। अच्छा, तो मतलब जनरली नहीं मिलते ऑफिस में कि आपसे नहीं मिलते? ऑफिस में ही नहीं मिलते हम। अच्छा, ऑफिस में ही नहीं मिलते। चार चार मतलब वहाँ जनपद का प्रभार लिए हैं, कभी यहाँ रहते हैं, कभी जब हम जाते हैं जनपद तो मिलते ही नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है, आपकी बात को हम पहुंचाएंगे, जनता तक भी पहुंचाएंगे, क्योंकि आपको एक सरपंच आदर्श। क्या क्या करना चाहती हैं आप अपने गांव? चाहते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत में अच्छा विकास हो, ये और पंचायत भवन नहीं, नया पंचायत भवन चाहिए, आंगनबाड़ी चाहिए, और ये क्या है, शांति धाम चाहिए, मंगलम भवन, मंगल भवन चाहिए, ताकि बच्चियों की शादियां हो सके, शादी हो जाए, और स्कूल के शिक्षकों के ऊपर थोड़ा दबाव आए कि वो पढ़ाई करवाएं, मतलब पठन पाठन का कार्य करें, ताकि बच्चों की संख्या में वृद्धि हो। जैसे गरीब के बच्चे 2 किलोमीटर 4-7 किलोमीटर वहाँ चार घर छोड़ने जाते हैं, किसी के पास वाहन नहीं है घर में भी, और गाड़ी का भाड़ा नहीं दे पाते हैं, उनकी पढ़ाई में बाधा आती है। ऐसे हम चाहते हैं कि स्कूल का स्तर, आपसे मिल के आपकी बातें सुन के हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि स्कूल का स्तर, एक ईमानदार सरपंच का गांव में होना बहुत जरूरी है, और आप ईमानदार भी हैं, आपके पास विजन भी है काम करने का, आपके क्षेत्र के लोगों का विकास करने का, लेकिन आपको जो सरकारी अधिकारी हैं, जो शासन प्रशासन के लोग हैं, उनका सहयोग नहीं मिल पा रहा, और सबसे बड़ी बात आपको आपके सचिव का सहयोग नहीं मिल पा रहा। हम सोचते हैं किसी गरीब से कोई इतना छोटा सा कागज बनाने के लिए उसे 1 रुपए भी रिक्शा ना लिया जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सोच है। और सब जो गरीब है उनको गरीबी रेखा का मतलब गरीबी रेखा में जो लाभ आते हैं उनको मिलना चाहिए। वास्तव में जो यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बसने के लिए जमीन नहीं है, उनका ड्रोन सर्वे में घर फंसा है, उनको राशन नहीं मिल रहा है। अच्छा, मतलब शासन कोई भी लाभ उनको नहीं। तो आप सरपंच है, आपको वो अधिकार दिए गए हैं कि आप उन लोगों को शुरू कर दें, लेकिन हम बार बार सचिव साहब को ये अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहे। अभी आप अपना हमको नंबर दीजिएगा, और जिस दिन हम त्योहार में रहेंगे, मेरे ख्याल से कल सोमवार है, कल चालू रहेगा, आप कोशिश करिए, आइए, हम भी आते हैं, देखते हैं कि सीओ साहब आपकी बात क्यों नहीं सुनते हैं। अरे सीओ साहब हमारे बात के लिए, हमारे दो हमारे गांव के वकील साहब हैं, वो भी उनसे कहने गए सचिव के लिए, फिर वहां कुछ विवाद भी हो गया, मीडिया में भी नाम आ गया है, मीडिया वालों को भी बुलाया गया। अच्छा, मतलब सचिव को लाने के लिए इतना प्रयास हम लोग किए, उसके बाद जो हम चाह रहे थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सचिव आपके मन से नहीं आए, जिनको आप चाहते हैं कि उनके नहीं आए तो इसलिए काम नहीं हो रहा है, ऐसी कुछ बात है? है? ऐसे तो हमको लग रहा है, लेकिन सचिव हमारे मन से नहीं आए, सचिव के दिन सचिव के लिए हम लीक कर दिए थे, वो सचिव हमको नहीं, मतलब जो सचिव यहाँ पहले थे नारायण दास से, उन्हीं को हम चाह रहे थे कि वो यही रहे, लेकिन उनको यहाँ से भगा दिया गया और वहाँ गोंद कला कर दिया गया। अच्छा, और गोंद कला से इनको, इसके पीछे किसका? चलिए ठीक है, मतलब बदली बदला क्यों किया गया, इसके कोई राजनीति चाल? अच्छा, क्योंकि हम उन्हीं सचिव को चाह रहे थे कि वही यहाँ, तो इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था कि
आपके मन के हिसाब से सचिव नहीं मिले कहीं, ऐसा तो इसीलिए नहीं है कि आप दोनों की लड़ाई की वजह से गांव में विकास काम नहीं हो पा रहे हैं? जैसा सरपंच हो वैसा सचिव चाहिए, एकदम ईमानदार काम करने वाला है सचिव सरपंच जो मिलते हैं। तो आपके हिसाब से कौन त्योंथर तहसील में कौन सबसे ईमानदार सचिव है जो आपकी ग्राम पंचायत में आए और आप लोग बढ़िया एक मिसाल कायम करें परिवार गांव के लिए? नारायण दास से उनसे बात किए थे, वो बोले कि हम रहेंगे तो हम गरीबों का ख्याल करेंगे, गरीबों का एक एक कागज बनाएंगे, हर काम करेंगे। अच्छा। हम बोले ठीक है आपको ही हम यहाँ रखना चाहेंगे। फिर उनको बोले बोले कि उनको राज्य शासन ने ले लिया, उनको यहाँ नहीं किया जा सकता। अच्छा। फिर हम बोले कि प्रभाकर सिंह जो है उनको यहाँ कर दिया जाए। अच्छा। फिर उनके लिए आदेश भी आ चुका था, फिर उनको ज्वाइन नहीं करने दिया। क्यों पता नहीं, उनको ज्वाइन नहीं करने दिए, सीओ साहब मना कर दिए। चलिए हम आपकी आवाज को जनता तक पहुँचाएंगे कि जनता देखे कि एक चुने हुए जन प्रतिनिधि के हिसाब से उनको सचिव तक नहीं मिलता, अगर हो सके तो हम। और यहाँ हमारे देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अपने स्टाफ अपने हिसाब से चुन सकते हैं, लेकिन एक सरपंच को उसके हिसाब से उसका स्टाफ चुनने की आज़ादी नहीं है, जबकि जनता ने आपको चुना है। आपको यह अधिकार होना चाहिए कि अगर आपका सचिव काम नहीं कर रहा है आपके साथ में, उन विकास कार्यों में बाधक है, तो उसको बदला जाए, है ना? आपको जीता, कितने वोटों से आप जीते? 60 वोटों से। कितनी आबादी है इस गांव की? 1177। तो आपने भी दारू मुर्गा और पैसे वैसे बांटे थे कि नहीं? हमारे पास ना कुछ था ना हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, अचानक अंतिम तारीख को 6 तारीख को हमने 6 जून को पर्चा डाला और जीत गई। आप तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था ना हम खर्च। हैं तो आपके जो अपोजिट में मुझे पता नहीं कौन थे, उन्होंने खर्च किया था कि ऐसे ही था, मतलब इस ग्राम पंचायत में ज्यादा खर्च नहीं था, नहीं पता था। बहुत हाई फाई चुनाव नहीं था। चलिए अच्छा लगा आपसे मिलके, हम कोशिश करेंगे, हम दखबरदार न्यूज से हैं कि अभी तक हम जितने गांवों में गए हैं हमने हमें यही देखने को मिला कि सरपंच और सचिव बेईमान होते हैं, इसलिए गाँव का विकास नहीं होता। ये त्योंथर तहसील का पहला गांव है जहां पे सरपंच बोल रही है कि मैं काम करना चाहती हूं, काम नहीं करना। गांव की जनता भी उनके साथ है। बनेगा, आप सबका सहयोग मिलेगा। आपकी सबसे बड़ी चीज है कि आप ईमानदार हो, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हाँ। फिर से मुलाकात होगी, काफी कुछ जानने को मिला इस गांव के बारे में, इस गांव की समस्याओं के बारे में। देखते हैं, हम भी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, आप कोशिश कर रही हैं, जो हमारी जिम्मेदारी है हम भी पूरी करने की कोशिश करेंगे, है ना? चलिए।